अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं इकरा शहजाद। मैं हूं उस्मान ओमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। क्वेटा में दहशत गर्दों ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। 11 यूनिवर्सिटी तालबात समेत 20 अफराद शहीद। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 धमाके और फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर, एफसी अहलकारों और नर्सों समेत 9 अफराद जान बहक। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला। तवील ऑपरेशन में 4 हमलावर मारे गए, 1 गिरफ्तार। तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल कर अस्पताल क्लियर करा लिया गया। पाकिस्तान की शनाख्त, कायदे आजम प्रेसिडेंसी पर हमले के खिलाफ सेनेट में मजम्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तानियों के दिलों में आग लग गई। बलोचिस्तान हुकूमत के साथ खड़े हैं वफाक का ऐलान। परवेज रशीद कहते हैं बंदूक की सियासत तय करने वालों के साथ मुफाहमत की बात होगी। चौधरी निसार कहते हैं हथियार उठाने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों से कौम सदमे से दोचार। हर तरफ उदासी के डेरे। सूबे में कल शोक का ऐलान। कराची में कटी पहाड़ी पर रेंजर्स की चौकी के करीब यकेबादी के 2 धमाके। पुलिस अहलकार जहां बहाक, 9 अफराद जख्मी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की मांगें पूरी कर दी। तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। जजेस नजरबंदी केस में परवेज मुशर्रफ पर फर्द जुर्माइत। साबिक सदर का सेहत जुर्म से इंकार। 21 जून को शहादत तलब। एतदाल पसंद हसन रूहानी ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए। और चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी मैच, पाकिस्तान की बैटिंग फिर न चली। बारिश से मुतासर 40 ओवर के मैच में भारत 168 रन हदफ के ताकुब से।